केंद्र सरकार दे आखरी बजट तो पहला लोकां नूं महंगाई दा एक वड्डा झटका लग्या है, जिथे गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच इक वार फिर तो वाधा कर दिता गया है ते इस दा बोझ आम लोकां दीआं जीबां ते पएगा। दस दिए कि अज केंद्र सरकार दे वल्लों अपना अंतरिम बजट पेश कीता जा रहा है, पर उस तो पहला ही एलपीजी गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच वाधे दा ऐलान हो चुका है, जिस नाल लोग भी निराश ने। सो हुण एलपीजी गैस सिलेंडर 14 रुपए होर महंगा हो गया है। इथे भी दस दिए कि ए रेट देश दे सारे शहरां दे लई लागू कीता गया है। सारे ही शहरां दे विच हुण एलपीजी गैस सिलेंडर 14 रुपए वाधे दे नाल खरीदिया जाएगा। तेल कंपनियां दे वल्लों इस वधियां हुई कीमतां दा ऐलान कीता गया है कि हुण एलपीजी गैस सिलेंडरां दी कीमत दे विच 14 रुपए दा इजाफा कर दिता गया है। 14 रुपए महंगा मिलेगा हुण एलपीजी गैस सिलेंडर। इथे भी दस दिए कि तेल कंपनियां दे वल्लों कमर्शियल गैस सिलेंडरां दी कीमतां दे विच वाधा कीता गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरां दी कीमत उसी तरह बरकरार है, उन्हां दे नाल छेड़छाड़ नहीं कीती गई है, पर इथे व्यापारियों नूं जरूर बोझ महसूस होएगा। व्यापारियों नूं जरूर इथे महंगाई दा झटका लग्या है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच 14 रुपए दा वाधा कीता गया है। इथे भी दस दिए कि अज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों केंद्र सरकार दा अंतरिम बजट पेश कीता जाना है, पर उस तो पहला ही एलपीजी दे गैस सिलेंडर दीआं कीमतां दे विच वाधे दा ऐलान हो गया है। इस तो पहला सरकार दे वल्लों आखरी बार 30 अगस्त 2023 नूं घरेलू गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच बदलाव कीता गया सी। इन्हां कीमतां दे विच 200 रुपए दी कटौती कीती गई सी, पर कमर्शियल सिलेंडरां दे रेट लगातार वधदे जा रहे ने ते इक वार फिर तो इस विच वाधा कीता गया है 14 रुपए दा। 14 रुपए होर महंगा हो गया है कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर, जिस दे नाल व्यापारियों नूं जरूर महंगाई दा एक वड्डा झटका लग्या है। केंद्र सरकार दे आखरी बजट तो पहला लोकां नूं महंगाई दा एक वड्डा झटका लग्या है, जिथे गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच इक वार फिर तो वाधा कर दिता गया है ते इस दा बोझ आम लोकां दीआं जीबां ते पएगा। दस दिए कि अज केंद्र सरकार दे वल्लों अपना अंतरिम बजट पेश कीता जा रहा है, पर उस तो पहला ही एलपीजी गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच वाधे दा ऐलान हो चुका है, जिस नाल लोग भी निराश ने। सो हुण एलपीजी गैस सिलेंडर 14 रुपए होर महंगा हो गया है। इथे भी दस दिए कि ए रेट देश दे सारे शहरां दे लई लागू कीता गया है। सारे ही शहरां दे विच हुण एलपीजी गैस सिलेंडर 14 रुपए वाधे दे नाल खरीदिया जाएगा। तेल कंपनियां दे वल्लों इस वधियां हुई कीमतां दा ऐलान कीता गया है कि हुण एलपीजी गैस सिलेंडरां दी कीमत दे विच 14 रुपए दा इजाफा कर दिता गया है। 14 रुपए महंगा मिलेगा हुण एलपीजी गैस सिलेंडर। इथे भी दस दिए कि तेल कंपनियां दे वल्लों कमर्शियल गैस सिलेंडरां दी कीमतां दे विच वाधा कीता गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरां दी कीमत उसी तरह बरकरार है, उन्हां दे नाल छेड़छाड़ नहीं कीती गई है, पर इथे व्यापारियों नूं जरूर बोझ महसूस होएगा। व्यापारियों नूं जरूर इथे महंगाई दा झटका लग्या है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच 14 रुपए दा वाधा कीता गया है। इथे भी दस दिए कि अज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों केंद्र सरकार दा अंतरिम बजट पेश कीता जाना है, पर उस तो पहला ही एलपीजी दे गैस सिलेंडर दीआं कीमतां दे विच वाधे दा ऐलान हो गया है। इस तो पहला सरकार दे वल्लों आखरी बार 30 अगस्त 2023 नूं घरेलू गैस सिलेंडरां दीआं कीमतां दे विच बदलाव कीता गया सी। इन्हां कीमतां दे विच 200 रुपए दी कटौती कीती गई सी, पर कमर्शियल सिलेंडरां दे रेट लगातार वधदे जा रहे ने ते इक वार फिर तो इस विच वाधा कीता गया है 14 रुपए दा। 14 रुपए होर महंगा हो गया है कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर, जिस दे नाल व्यापारियों नूं जरूर महंगाई दा एक वड्डा झटका लग्या है।